बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सब का अपनी सम्मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह हम सब को ढेरों खुशी नसीब करें। मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहने वाला है। आज की रेसिपी बना रही हूँ मैं ये हलवा, सूजी का हलवा। ये मैंने घी गर्म करने के लिए रख दी है, घी मेल्ट हो जाएगा फिर सूजी शामिल करूँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्त अजीज़ और रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे। ये घी मेल्ट हो गया, अब मैं ये 200 ग्राम सूजी है ये शामिल कर रही हूँ। इसकी भुनाई करूँगी। ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, जिस तरह मैं बनाती हूँ आप भी ट्राई करके देखना, हमें तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूजी की बुनाई हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, गोल्डन प्यारा कलर आया है। इतनी बुनाई अच्छी है, इतना ये हलवा अच्छा बनता है। कच्ची सूजी हो तो फिर वो हलवा भी अच्छा नहीं बनता और जायका भी अच्छा नहीं आता। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे आके ये एक चुटकी है सब्ज इलायची ये शामिल कर रही हूँ। इसकी भी साथ बुनाई हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं नए तरीके से बना रही हूँ, आपको अच्छा लगे मेरा तरीका तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है, सूजी का हलवा किस तरह आपको लगता है, अच्छा लगता है ये बुरा लगता है। और ये किशमिश है, इस टाइम पे आके ये शामिल कर देनी है। किशमिश मैंने शामिल कर दी है, अब इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी साथ। सूजी की बुनाई हो गई, अब इसको मैं उतार रही हूँ। अब मैं चाशनी तैयार करती हूँ। ये पानी गर्म हो गया है, अब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। 200 ग्राम चीनी है, चाशनी बना रही हूँ। और ये एक चुटकी है फूड कलर, अगर आपको पसंद है शामिल कर देना, नहीं है तो ना करना। मुझे पसंद है इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। चाशनी में ये बहुत अच्छा कलर आता है। चीनी मेल्ट होने तक खिलाऊंगी। ये चाशनी तैयार हो गई है, ये एक तार की है, ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी होनी चाहिए, बस एक तार की होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चिपचिपाहट है इसमें, ज़्यादा नहीं है। अब इसको उतारती हूँ।
मैंने सूजी को फिर से गर्म कर लिया। अब मैं शामिल करती हूँ इसमें चाशनी, ये थोड़ी थोड़ी करके शामिल करनी है। ऐसे बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, जायकेदार बनता है। आप भी ट्राई करके देखना मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। ये पहले वाली चाशनी फिर शक हो गई, अब और शामिल कर रही हूँ। ये इकट्ठी शामिल नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करनी है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा प्यारा कलर आया है। अब छिटे पड़ेंगे, अब बाकी जो पड़ी है वो भी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सूजी का चाशनी वाला हलवा हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार बना है, बहुत जायकेदार बना है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर आप भी ट्राई करना, ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज़ और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। दुआ में हमें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़। ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि हमारा ये सूजी का चाशनी वाला हलवा कैसा बना, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना, हमें खुशी होती है।